हेलो दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2022, आज 2022 का आखिरी दिन है। कुछ घंटों के बाद नया साल शुरू होगा। आपके सारे सपने पूरे हों, रेस हमारी अच्छी जाए, यही दुआ है। आपको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल आपकी सारी उम्मीद, सारे सपने, सब कुछ पूरे हों, आपके परिवार में सब खुश रहें, यही दुआ होगी मेरी। और आप अच्छे से ऐसे पैसे कमाते रहें, तो जो कुछ भी है भूल जाइए पुराने दिनों को। आज ख़त्म हो रहा नया साल, तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़िए, नया साल में नई शुरुआत कीजिए। तो आज बेंगलोर अच्छा गया, मद्रास ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन बेंगलोर ने अच्छा, कुछ घोड़े बोर्ड पर आए, एक दो घोड़े जीते। सो होप कि कल भी अच्छा जाए। काल दोनों कार्ड अच्छे लग रहे हैं। आई होप कल नया साल, नए दिन बहुत ही अच्छा हो। तो चलते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट टेस्ट 1 जनवरी 2023, कलकत्ता की फर्स्ट टेस्ट 1 बजे है। मद्रास चेन्नई की 1:45 को है। तो पहले बात करते हैं कलकत्ता की फर्स्ट टेस्ट। द वॉल्फ 777 हैप्पी 2023, हैंडीकैप 1600 मीटर की रेस है, क्लास 2 की, हॉर्स रेटेड 6186, रेटेड 4166, एलिजिबल। 1 बजे रेस है। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 6 सर्किल ऑफ लव, जॉकी हिंदू सिंह फॉर प्लेस। लास्ट टाइम ये घोड़ा कोल्ड पोर्शिट के साथ भागा था, लेकिन अभी इसमें वेट बहुत कम है और ब्लिंकर रन के हुए हैं। तो कल ये घोड़ा बोर्ड पे रहना चाहिए, लेकिन 1-2-3 की बेट नहीं है, 1-2 की बेट है। तो अगर प्लेस मिलता है तो प्लेस के लिए, मुझे इन प्लेस में पसंद है घोड़ा, कल जीतना चाहिए, क्योंकि क्लास 2 भी भागा हुआ है घोड़ा। तो होप कल घोड़ा बोर्ड पे रहना चाहिए, 1-2 की बैठे बस। तो प्लेस मिलता है तो प्लेस के लिए, मुझे विन प्लेस में पसंद है। अब चलते हैं सेकंड रेस में। द वॉल्फ 777 7 फॉर लॉन्ग हैंडीकैप 1400 मीटर की रेस है, क्लास 4 की, हॉर्स रेटेड 2146, रेटेड 126, एलिजिबल। 1:30 को ये रेस है। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 दुबई स्टार, जॉकी ए संदेश फॉर प्लेस। प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। घोड़ा परफॉर्म नहीं किया कुछ रन में, लेकिन कल संदेश को बिठाया, तो आई होप घोड़ा बोर्ड पे रहे। 1-2-3 की बैट है, प्लेस होना चाहिए घोड़ा। तो प्लेस मिलता तो प्लेस के लिए। और दूसरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 अटलांटिका, जॉकी हिंदू सिंह। दोनों में होना चाहिए, लेकिन दुबई स्टार प्लेस तो रहना चाहिए, क्योंकि संदेश को बिठाया लास्ट टाइम, MD इस्माइल चलाया था। तो होप, देखते हैं कल क्या करता है। अब चलते हैं थर्ड रेस में। द वॉल्फ 777 हैंडीकैप 1400 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, हॉर्स रेटेड 126। यहाँ पर 14 घोड़े हैं। मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 लेजेंड रिटर्न, जॉकी शहजाद खान पर प्लेस। घोड़ा बोर्ड पे हमेशा रहता है, कल भी ये घोड़ा बिल्कुल बोर्ड पे बनता है, मुझे घोड़ा पसंद है। तो होप कल शहजाद खान अच्छा राइड करे, घोड़ा तो बिल्कुल प्लेस के लिए बनता है। अब चलते हैं फोर्थ रेस में। द वर्ल्ड 777 न्यू ईयर्स डे हैंडीकैप 1400 मीटर की रेस है, क्लास 3 की, हॉर्स रेटेड 4166, रेटेड 2146, एलिजिबल। यहाँ पर मेरी सिंगल चॉइस है हॉर्स नंबर 5 सेंचुरियन, जो कि पीट ट्रेवर। कल ये घोड़ा विदाउट एनी डाउट जीतना चाहिए। घोड़ा लास्ट टाइम MD इस्माइल चलाया था, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था, कल ट्रेवर को बिठाया है, तो ये घोड़ा कल जीतना ही चाहिए। अगर इसकी प्लेस मिलती है तो प्लेस के लिए घोड़ा 1-2 पे रहना चाहिए बस, 1-2-3 की बैट नहीं है, फिर भी घोड़ा 1-2 में रहना चाहिए, अगर प्लेस मिलती तो प्लेस के लिए इसकी। रेस नंबर 4 हॉर्स नंबर 5 सेंचुरियन, जॉकी पीट ट्रेवर फॉर विन प्लेस। अब चलते हैं फिफ्थ रेस में। द वॉल्फ 777 RCTC गोल्ड वेस 2200 मीटर की रेस है, क्लास 1 की, हॉर्स रेटेड 81 एंड अबव, रेटेड 6186, एलिजिबल। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 6 थर्ड एवेन्यू, जो कि पी तेजेश्वर फॉर प्लेस। घोड़ा जीत भी सकता है, घोड़ा फॉर्म में है, रिटेन हो रहा है अपर क्लास में, लेकिन कल ये घोड़ा जीत भी सकता है, मुझे इन प्लेस में पसंद है। 5 नंबर शायद फेवरेट खुलेगा, लेकिन मुझे यही घोड़ा पसंद है, 6 नंबर थर्ड एवेन्यू, अगर प्लेस मिलता है तो प्लेस के लिए। अब चलते हैं सिक्स रेस में। द वॉल्फ 777 इंडियन प्रोड्यूस टेक्स 1200 मीटर की रेस है, टर्म रेसेस, हॉर्स 3 ईयर ओल्ड ओनली। 3:30 बजे रेस है।
यहाँ पर सात घोड़े हैं, 1-2 की बैठ है। छः नंबर काइंड ऑफ मैजिक, घोड़ा ट्रैक बहुत अच्छा जा रहा है, अगर फेवरेट सेकंड फेवरेट खुलता है तो विन के लिए, अगर इसका प्लेस मिलता है तो प्लेस के लिए घोड़ा बिल्कुल बनता है 1-2 में, सूरज बैठा है। तो सिक्स रेस हॉर्स नंबर 6 काइंड ऑफ मैजिक जो कि सूरज नड्डू फॉर विन प्लेस। अब चलते हैं सेवन्थ रेस में, द वॉल्फ 777-2 लाइन हैंडीकैप 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की, हॉर्स रेटेड 4166, रेटेड 2146 एलिजिबल। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 4 एगस्टिनो कराज की जो कि बीआर कुमार फॉर विन प्लेस, घोड़ा अच्छा है प्लेस पे तो बिल्कुल रहना चाहिए। अब चलते बात करते हैं मद्रास की, मद्रास में 8 रेसेस हैं। पहली रेस 145 को है, द क्लासिक स्टाइल हैंडीकैप क्लास 5 की रेस है, ए हैंडीकैप फॉर हॉर्स रेट 0-25, 1200 मीटर की 145 को रेस है। यहाँ पर 12 घोड़े हैं फर्स्ट रेस में, फर्स्ट रेस में मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 10 एपिस्टियरी जो कि श्रीकांत कांबले फॉर प्लेस। अब चलते हैं सेकेंड रेस में, द न्यूयॉर्क कप डिवीजन 1 1400 मीटर की रेस है क्लास 4 की, ये हैंडीकैप पर हॉर्स रेट 20-45। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 1 सेजार स्टार जो कि डेसन एंटोनी भी फॉर विन प्लेस। लास्ट टाइम ये घोड़ा दिया था उस दिन भी सेकंड हो गया था, कल ये घोड़ा जीतना चाहिए, इक्विपमेंट चेंज हुए हैं इसमें, कल ये घोड़ा प्लेस मिल जाए तो प्लेस के लिए बहुत अच्छा घोड़ा है, 1-2-3 के लिए तो बिल्कुल बनता है, अगर प्लेस मिल जाए तो प्लेस के लिए, लास्ट टाइम भी इसकी 2.5 रुपये हुई थी और 60 पैसे प्लेस था, तो कल भी ये घोड़ा बिल्कुल जीतना चाहिए, कल घोड़ा अगर प्लेस मिलता तो प्लेस के लिए। अब चलते हैं थर्ड रेस में, द न्यूयॉर्क कप डिवीजन 2 1400 मीटर की रेस है क्लास 4 की, ए हैंडीकैप फॉर हॉर्स रेटेड 20-45। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 1 लेडी ब्लेजर जो कि एलेक्स रोजारियो फॉर प्लेस। अब चलते हैं फोर्थ रेस में, द गवर्नर्स कप 1800 मीटर की रेस है क्लास 3 की, ए हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 40-65, 20-39 एलिजिबल। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 सुप्रीम रनर चौकी यश नरडू फॉर विन प्लेस, घोड़ा अच्छा है प्लेस में तो बिल्कुल रहना चाहिए। फिफ्थ रेस में चलते हैं, द सिल्वर जेट हैंडीकैप 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की, ए हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 40-65। आई थिंक कल 4 नंबर फेवरेट खुलेगा के स्टार जो कि सी ए वेरिजन, लेकिन कल ये घोड़ा मुझे पसंद नहीं, मुझे यहाँ पर पसंद है हॉर्स नंबर 7 एडमिरल शॉ जो कि पी साई कुमार फॉर विन प्लेस, अगर प्लेस मिलता तो प्लेस के लिए, लेकिन मुझे दो घोड़े में फाइट पसंद है, 7 और 8, इन्हीं दोनों में कोई जीतना चाहिए। लास्ट टाइम एडमिरल शॉ पे एम एस दियोरा बैठा था, थर्ड हुआ था, कल पी साई कुमार बैठा है, तो कल घोड़ा बिल्कुल प्लेस में बनता है, अगर प्लेस मिलता तो प्लेस के लिए, मुझे विन प्लेस में पसंद ये घोड़ा। अब चलते हैं सिक्स्थ रेस में, द फ्लाइट लाइन हैंडीकैप 1400 मीटर की रेस है क्लास 2 की, ए हैंडीकैप और हॉर्स रेट 40-60-85, आउटस्टेशन हॉर्सेस आर एलिजिबल। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 3 आयुष शक्ति जो कि ए आशा 10 बार फॉर विन प्लेस, यूफेरिक के पीछे भागा था ये घोड़ा लास्ट टाइम, लेकिन अभी वेट का एडवांटेज है 3 नंबर को, तो 3 नंबर कल जीतना चाहिए, अगर प्लेस मिल जाए तो प्लेस के लिए। अब चलते हैं सेवन्थ रेस में, द व्हाइट नाइट हैंडीकैप डिवीजन 2 1200 मीटर की रेस है क्लास 4 की, ए हैंडीकैप और हॉर्स रेट 20-45, 5 ईयर्स ओल्ड एंड ओवर। ये ख़राब रेस लग रही है, लेकिन मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 3 डैंसिंग क्वीन जो कि एस नरडू फॉर प्लेस, दिखने को तो 2-3 नंबर फेवरेट खुलेगा शायद, जीत भी जाए लेकिन मुझे रेस पसंद नहीं, बेटर देन आप स्किप कीजिए इसको। अब चलते हैं एट्थ रेस में, द व्हाइट नाइट हैंडीकैप डिवीजन 1 क्लास 4 की रेस है, हैंडीकैप और हॉर्स रेटेड 20-45, 5 ईयर्स ओल्ड एंड ओवर। 1200 मीटर की रेस है 5:15 को, लास्ट रेस है ये। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 स्टार फिलिंग जो कि पी साई कुमार फॉर विन प्लेस, लास्ट ये घोड़ा बहुत अच्छा है प्लेस पे तो बिल्कुल है, तो कल दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई होप कल दोनों कार्ड में आपका प्रॉफिट हो।
कल प्रॉफिट करके ही है, चलिए चाहे कुछ भी हो, 5,000 हो, 10,000 हो, कल नया साल है तो आप यही कोशिश कीजिए कल प्रॉफिट में रहें। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ख़राब लग रही है, अच्छी लग रही है, कमेंट में बताइए। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तब भी आप कमेंट में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप कल कैसे भी प्रॉफिट करके ही चलिए। कल कार्ड दोनों ही बहुत अच्छे हैं, होने को सीधा रेस चोरी हो जाए अलग बात होगी, लेकिन दोनों ही कार्ड मुझे बहुत पसंद हैं। कल आई थिंक आपका काम इजीली होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड नाइट।